जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। शादी और कैरियर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो जन्मदिन अनुसार शादी की जानकारी पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें। ऐसे जातक जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक है, वे कुंडली दिखाकर शादी की जानकारी पा सकते हैं। वहीं अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं, तो अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन हमें व्हाट्सएप करें। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपके लव मैरिज के योग हैं या अरेंज के। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अब आप केपी की वाणी से शादी की कुंडली बनवा सकते हैं और शादी से संबंधित जानकारी कुंडली दिखाकर पा सकते हैं। तो अगर आपकी कुंडली बनी हुई है, तो आप केपी की वाणी को अपनी कुंडली सेंड करें। हम आपको कुंडली देखकर विवाह ग्रह दशा अगर अंकित होगा तो आपको जानकारी देंगे, अन्यथा केपी की वाणी से मौखिक और लिखित कुंडली बनवा सकते हैं। इसके लिए मामूली फीस ली जाती है। तो कुंडली में आपको केपी की वाणी पर आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूर पर होगा ससुराल, शादी किस नाम से होगी, शादी किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव, उनका कैरियर कैसा होगा, आपका कैरियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यह सभी जानकारी आपको कुंडली बनाकर और देखकर बताया जाएगा। यह सभी जानकारी आपको हिंदी में विस्तार पूर्वक लिखकर दी जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको एक बार और दोहरा देता हूँ, 8521835670। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दे। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी कि मुझसे कोई गलती हो जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है और मैं आपको यह जानकारी ग्रह राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन, साथी पूजा त्योहार के आधार पर देता हूँ। कुंडली के हिसाब से इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। तो बिना वक्त गवाए आइए अब आज के वीडियो पर नजर डालते हैं। तो आज मैं आपको उन चार राशियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके विवाह के योग गुप्त नवरात्रि के दिनों में बन रहे हैं। तो आप आश्चर्यचकित मत हो, क्योंकि साल में चार नवरात्रि मनाई जाती है, दो गुप्त नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। सनातन धर्म में एक साल में चार नवरात्रि मनाई जाती है, पहली नवरात्रि माघ महीने में, दूसरी नवरात्रि चैत्र महीने में, तीसरी नवरात्रि अषाढ़ महीने में और चौथी एवं अंतिम नवरात्रि अश्विन महीने में मनाई जाती है। माघ और अषाढ़ नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, जबकि चैत्र को चैत्र नवरात्रि और अश्विन को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान साधक अथवा भक्त विभिन्न साधनों के द्वारा मां भगवती की विशेष पूजा अर्चना करते हैं तथा नवरात्रि के ही समय में कुछ भगतंत्र विद्या सीखते हैं, जिसे गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। आसान शब्दों में मैं कहूँ तो जादू टोना सीखने वाले और तंत्र मंत्र की विद्या सीखने वाले साधकों के लिए गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। और इन दिनों में अगर आप कोई कार्य गुप्त तरीके से करते हैं और सकारात्मक चीजों के लिए करते हैं तो उसमें सफलता पाने की पूरी पूरी संभावना रहती है। इसके लिए गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है, यह बहुत ही कम लोगों को पता है गुप्त नवरात्रि के बारे में। तो अगर आपको नहीं पता है तो आज मैं आप गुप्त नवरात्रि के बारे में विस्तार से बताऊंगा, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। साथ ही आपको फरवरी महीने में यानी कि अगले महीने में जिन चार राशियों के विवाह के योग बन रहे हैं उसके बारे में भी बताने जा रहा हूँ। तो गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना के लिए अति विशेष माना जाता है। इस नवरात्रि में तंत्र सीखने वाले भक्तगण कठिन भक्ति कर माँ भगवती को प्रसन्न करते हैं और इस नवरात्रि के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की देवी के 9 दिनों में पूजा की जाती है। इनमें माँ काली, बगलामुखी आदि देवी शामिल है। यह नवरात्रि तंत्र विद्या सीखने वाले और माँ दुर्गा से मुंह मांगी मनोकामना करने वाले के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में जान लेते हैं जिनकी पूजा गुप्त नवरात्रि में की जाती है। तो सामान्यतः शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कृष्णाम्बा, स्कंदमाता, कात्यायनी माँ, कालरात्रि अर्थात माँ काली, महागौरी, सिद्धिदात्री आदि माताओं की पूजा की जाती है। ये माँ दुर्गा के ही स्वरूप है। वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या देवी तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्मस्ता, काली, त्रिपुर भैरवी, धूमावती एवं बगलामुखी माता की पूजा की जाती है, उपासना की जाती है। इसमें साधक कठिन भक्ति कर
माता को मनाते हैं और तंत्र विद्या सीखते हैं। तो इन दिनों में अगर आप कोई कार्य करते हैं और उसके लिए गुप्त तरीके से माता से आप मनोकामना करते हैं तो उसमें सफल होने की पूरी पूरी संभावना है। तो गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है? गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक साधक माँ दुर्गा की कठिन भक्ति और तपस्या करते हैं। खासकर निशा पूजा की रात्रि में तंत्र मंत्र की सिद्धि की जाती है और इसमें साधक को सफलता भी मिलती है। इस भक्ति और सेवा से माँ प्रसन्न होकर साधकों को दुर्लभ और अतुल्य शक्ति देती है, साथ ही साधक के सभी मनोरथ सिद्ध करती है। तो अगर आप कोई इच्छा या मनोकामना करते हैं तो गुप्त नवरात्रि में आप माँ की पूजा कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवा सकते हैं। आइए अब आपको मैं गुप्त नवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में बता दूं। तो गुप्त नवरात्रि 2 फरवरी 2022 अगले महीने को शुरू होकर 10 फरवरी 2022 दिन गुरुवार को समाप्त होगी। इसमें कलश स्थापना मुहूर्त जो है नवरात्रि 2 फरवरी को 8:34 सुबह से लेकर प्रातः काल 9:59 तक है। वहीं अभिजात मुहूर्त इस दिन दोपहर 12:13 से लेकर 12:58 तक है। आपको मैंने कई वीडियो में भी अभिजीत मुहूर्त के बारे में बताया है। तो अभिजीत मुहूर्त वह मुहूर्त होता है जिसमें आपको किसी विशेष शुभ मुहूर्त की तिथि को देखना नहीं पड़ता है और आप इस शुभ समय में कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अगर आप इसी ज्योतिष से सलाह नहीं लेना चाहते हैं तो आप दैनिक पंचांग को देखकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दिन का विचार अभिजीत मुहूर्त क्या है, और उसमें अगर कोई वाहन खरीदने या कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हैं। तो आइए अब आपको मैं कुछ उपाय बता देता हूं जो गुप्त नवरात्रि में आपने करना है, और फिर उन 4 राशियों के बारे में बताऊंगा जिनके विवाह के योग गुप्त नवरात्रि में 100% बन रहे हैं। तो गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन भगवान शिव के मंदिर में जाएं, भगवान शिव और माँ पार्वती पर दूध का अभिषेक करें और पंचोपचार यानी पुष्प चंदन धूप दीप और निवेद आदि से उनकी पूजा करें। अब मौली से भोलेनाथ और माँ पार्वती के मध्य गठबंधन करें। इसके बाद वहां बैठकर लाल चंदन की माला से हे गौरी शंकरार्धांगिनी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांतम सुदुर्लभम, इस मंत्र का जाप आपने करना है और इस दिन से प्रारंभ कर अगले 3 महीने तक शिव मंदिर जाकर या अपने घर के पूजा कक्ष में ही माँ पार्वती के सामने पंचोपचार पूजा के साथ इस मंत्र का एक माला अपने जाप करना है। मंत्र आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। अगर आप मंत्र व्हाट्सएप के द्वारा मंगाना चाहते हैं तो आप केपी की वाणी के व्हाट्सएप पर संपर्क करें। अगला जो विधि है वो इस प्रकार है। गुप्त नवरात्रि में भगवान शिव और माँ पार्वती का एक चित्र लें अथवा प्रतिमा लें और अपने पूजा स्थल में रखें और हर दिन उनकी आराधना करने के पश्चात निम्न मंत्र का 3 माला या 5 माला जाप करें। जाप खत्म होने के बाद शिव से विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने की प्रार्थना करें। ओम सम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुष्टाय लाभाय चौपतिम मे देही कुरु कुरु स्वाहा। तो आप इस मंत्र का भी जाप गुप्त नवरात्रि के दिनों में अवश्य करें। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो कम से कम 3 माला जाप अवश्य ही करें। इस मंत्र को भी आप व्हाट्सएप पर मंगा सकते हैं या मंगा सकती हैं। आइए अब कुछ अन्य जानकारी भी देता हूं। तो आपने गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों तक माता के 9 रूपों को पीले पुष्प अथवा लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। आप चाहे तो 1 माला लाल रंग के पुष्प से बनाकर रोजाना माता को भेंट करें और साथ ही 1 लाल रंग का पुष्प अपनी हथेली में रखकर ओम ओम कात्यानी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंदो गोपसुतम देवी पति मे कृते नमः, इस मंत्र का जाप करके 5 बार या 7 बार उस पुष्प को माता को अर्पित कर देना है। तो रोजाना आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं माता के समक्ष अथवा मंदिर में जाकर। तो अगर आप इन उपायों को करते हैं तो यकीन माने कि माता की कृपा आप पर अवश्य ही बरसेंगी और आपके विवाह में आ रहे सभी अड़चने दूर हो जाएंगे। तो आइए अब आपको मैं उन 4 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके विवाह के योग नवरात्रि में बन रहे हैं। गुप्त नवरात्रि के दिनों में आपका रिश्ता तय हो सकता है। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको पूर्व के वीडियो में बताया गया है कि गुरु के राशि परिवर्तन से शुक्र के राशि परिवर्तन से कई जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। गुरु जो है लड़कियों के शादी के कारक माने जाते हैं, शुक्र जो है लड़कों के शादी के कारक माने जाते हैं। इसके अलावा कुंडली में अन्य ग्रह दशा भी देखी जाती है, किंतु गुरु और शुक्र का प्रबल रहना बहुत ही जरूरी है। गुरु मजबूत रहने से और शुक्र मजबूत रहने से विवाह के योग शीघ्र बनने लगते हैं। तो गुरु का राशि परिवर्तन और शुक्र का राशि परिवर्तन, शुक्र वक्री चाल चल रहे हैं जबकि गुरु मार्गी चाल चल रहे हैं, तो इस वजह से कुंभ राशि सिंह राशि धनु राशि
और मीन राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। गुरु जो है 20 नवंबर को 2021 पिछले साल राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और मार्गी हैं। सिंह राशि की कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है, कुंभ राशि के प्रथम भाव में विराजमान है। इस वजह से सिंह राशि कुंभ राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। वहीं धनु राशि और मीन राशि के जातकों के विवाह के योग राशि स्वामी होने के चलते बन रहे हैं। शुक्र का राशि परिवर्तन करना, शुक्र का पंचम भाव में उपस्थित होना सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ योग बना रहा है। वहीं शुक्र राशि परिवर्तन कर धनु के प्रथम भाव में विराजमान हो गए हैं। साथ ही पंचम भाव में भी शुक्र जो है मीन राशि के जातकों में बैठे पड़े हैं। इस वजह से मीन राशि सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय अनुकूल है। इस समय में विवाह के योग स्थापित हो सकते हैं। 27 फरवरी तक जो है वो शुक्र जो है धनु राशि में ही रहेंगे और गुरु जो है 13 अप्रैल तक जो है वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। अर्थात इन दिनों में आपके विवाह के योग बन रहे हैं। वहीं गुप्त नवरात्रि में आप बताए गए उपायों करते हैं तो आपके रिश्ते तय हो सकते हैं। और इन दिनों में जब 3 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के मध्य आपके विवाह के योग बन रहे हैं, 22 फरवरी के बाद जो है वो गुरु अस्त हो रहा है, तो इस वजह से फिर 4 मार्च तक कोई भी योग नहीं है। कई ज्योतिष ऐसा सलाह देते हैं कि 4 मार्च और 9 मार्च को विवाह का मुहूर्त है, किंतु गुरु अस्त होने के चलते और इसके पश्चात होलाष्टक आने और खरमास लगने के चलते मार्च में भी कोई भी योग नहीं है। तो यानी कि 10 दिनों में जो विवाह के योग हैं, जनवरी में 5 दिन और फरवरी में 5 दिन, इसके बाद 17 अप्रैल से ही योग बनेंगे। तो इन 4 राशियों के नवरात्रि के बाद विवाह होने के पूरे पूरी संभावना है। सिंह राशि के जातकों के लव कम अरेंज दोनों की भी संभावना है, कुंभ राशि के जातकों के लव कम अरेंज दोनों की संभावना है। वहीं धनु राशि के भी शुक्र के राशि परिवर्तन से उनके भी विवाह के योग बन रहे हैं, जबकि मीन राशि के जातकों के अरेंज मैरिज होने की संभावना बन रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको उन 4 राशियों के बारे में बताया जिनके विवाह के योग नवरात्रि में बन रहे हैं और गुप्त नवरात्रि के दिनों में आपके रिश्ते स्थापित हो सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको ज्योतिष पंचांग मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी से संपर्क करें, अन्यथा आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय श्री राधे बिल्कुल ना लिखना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा बनी रहे। परमपिता परमेश्वर आपको विषम परिस्थिति में भी सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।